प्यार किया है। तो जब इंसान का अपना सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो अक्सर बहुत अकेला महसूस करता है। और यहाँ एक मचान है, उस मचान पे चक्रवान के बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स हुए थे। तो वो वहाँ पहुँचती है, उसे सब यादें आती हैं और वो अपने आप से सवाल पूछती है, ये सब क्यों हुआ, मैं इतनी अंधी क्यों थी कि मुझे प्यार मुझसे नहीं करता, वो क्यों नहीं दिखाई दिया और ये सारी चीज़ें। तो ये उसका बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था और वो मचान भी तोड़ देती है, कुछ यादें सब ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो बस यही है सीन में। पर सपोर्ट देने आए थे सूरज शायद, और उन पे बरस पड़ी चकोर? नहीं, मैं उन पे बरस नहीं पड़ी, वो मुझ पे हमदर्दी दिखाने आए थे। और चकोर वन वुमेन आर्मी है, तो उससे ज़्यादातर वो यही होती कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो वही कहती है उसको। और सूरज इसलिए चकोर को समझ पाता है क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से चकोर गुजर रही है। दोनों ने अपना प्यार खोया है, वो इमली को खो चुका है, ये विवान को खो चुकी है। तो ये उनके लिए बहुत सेम टाइप का फेज है और दोनों बहुत सेम टाइप के इमोशन से गुजर रहे हैं। तो क्या एक दूसरे में यू नो वो प्यार वापस मिलने की उम्मीदें हैं चकोर सूरज को? मतलब सूरज को इमली मिल जाए और चकोर विवान आपको सूरज मिल जाए, लाइक नहीं? एक्चुअली ये अभी सब लोग पूछ रहे हैं, बट ऐसे कोई एंगल नहीं है चकोर और सूरज के बीच में। बिकॉज चकोर का हेट्रेड जो है सूरज के लिए वो गया नहीं है। सूरज ने बहुत ऐसे बुरे बुरे वो किए हुए उसके साथ में, मतलब बिहेवियर उसका बहुत रॉन्ग रहा है। तो आई थिंक अब जब सूरज अपना थोड़ा चेंज दिखाएगा तो वो ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। चकोर वो नोटिस करेगी, ऑब्जर्व करेगी, और उसको काफ़ी वक्त है। तो आई थिंक अभी तो कुछ टाइम के लिए दोनों देवदास और देवदासी जोन में रहने वाले कि हमारा प्यार लुट गया हमसे, तो यही रहने वाला है। ओके, पर बिन मौसम बरसात काफ़ी सारी देखी, ये हमारे राइटर करते रहते हैं हमारे पहले साथ। भी शायद एक सीक्वेंस था जहाँ पे विवान का, हाँ ये मैंने और विवान ने 7-8 सीन कर लिए बारिश में। सूरज के साथ अब तीसरा सीन हो रहा है बारिश में। तो हाँ, मतलब मैं बारिश में बहुत सीन्स करती हूँ। आई थिंक विंटर में नहीं, रात के सीन्स नहीं अच्छे लगते, दिन के ठीक है। बट जब बारिश होती है तो वो ऐड करता है, इफेक्ट ऐड करता है, इट एड्स अ लॉट ऑफ इमोशंस। लोगों को अच्छा लगता है ऐसे देखना कि बारिश में दो प्रेमी मिल रहे हैं या बिछड़ रहे हैं। तो आई थिंक इसीलिए वो इफेक्ट्स के लिए हम बारिश में सीन्स करते हैं।